और लव कटारिया का एंट्री इतना जबरदस्त मिला है, एंड में 3 लाख+ लाइक आता था, लेकिन इस वाला वीडियो पे 2 ही घंटा के बाद इस पे 3.5 लाख के करीब लाइक आ चुका है। उसकी बाइक देकर किया है, लेकिन बाइक भाई हुंडा साइन कौन सा बाइक होता है भाई? इन लोग यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर। अरे चीता ही कहते हैं। अरे दोस्तों कैसे हो आप सभी? बिग बॉस स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर नया सीजन के साथ। यहाँ पर लव कटारिया का भाई मैं बता दूँ बात, तो यहाँ पे भाई का टक्कर में तो अभी तक कोई है नहीं। यहाँ पर 9 मिलियन और 1.8 मिलियन का तो कंपेयर हो ही रहा है आप लोग। यहाँ पर जाते जाते ही रोस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं लव कटारिया ने। और यहाँ पर उनके पीछे में है एल्विस यादव का, जो कि पावर, जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया और यूट्यूब हो गया, चारों तरफ कटारिया भाई का न्यूज़ चल रहा है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी हो रहा है, और इसके वजह से आप लोग बताना आप लोग किसे सपोर्ट करना चाहोगे। और यहाँ पर एक गई हुई है यूपी की शायद ना, जो कि बोलती है थोड़ा हिंदी और भोजपुरी मिलाकर। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में, तो उनसे मैं बोलना चाहूंगा भाई आपका वहाँ पर तो काम तो था नहीं, बट आपको वहाँ पर डाल दिया गया एंटरटेनमेंट के लिए बस। तो यहाँ पर आप लोग ज़्यादा कौन है ये लोग, कहां से आके बारे में ज्यादा सोचिएगा मत। और यहाँ पे एक है विशाल, अनिल कपूर, इन दोनों का कंपेयर कर रहे थे 9 मिलियन और 1.8 मिलियन का, ठीक है? तो यहाँ पे कंपेयर तो होने वाला नहीं है, क्योंकि कटारिया भाई के पीछे एल्विस आर्मी खा रहा है। तो इससे तो थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका फेक फॉलोअर्स बढ़ा हुआ है 9 मिलियन, ठीक है? मैंने उसका चेक किया तो देखा तो भाई इसका फॉलोवर्स जो होता है ना वहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन वहाँ पर दे ही नहीं रहा था। आप समझो बात को, यहाँ पर फेक फॉलोअर बना कर रखा हुआ है 9 मिलियन। तो यहाँ पर मस्त मस्त यहाँ पर स्कैम निकल के आएगा अंदर की बात, जो कि आप लोग भी मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा। और लव कटारिया का एंट्री बहुत ज़बरदस्त मिला है। फिर यहाँ पर अरमान मलिक, जो कि अपने दोनों बीबी के साथ गया हुआ है वहाँ पर, तो देखते हैं आगे कितना इंटरटेनमेंट होता है इस चीज़ से, बहुत ही मज़ा आएगा। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, और बिग बॉस आप लोग देख रहे हो नहीं प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है? और यहाँ लव कटारिया का भाई अंदर जाते ही कॉन्फ्रेंस रूम में उनको एक मोबाइल दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात हो पाएगा आने वाले समय में, क्योंकि उनको थोड़ा बाहर का भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो ऐसे उनका गेम और भी तगड़ा हो जाएगा। आप लोग क्या सोचते हो इस यही बात यहाँ पे विशाल पांडे के बारे में? तो भाई उनको क्या ही बोलूँ, बस वो कपड़ा डिजाइनिंग अच्छा सूट करते हैं, बट यहाँ पे लव कटारिया के साथ उनका कंपेयर थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है, ठीक है? तो उनको साइड रख दो, और यहाँ पर सिस्टम हैंग कर देना है लव कटारिया का लेकर, ठीक है? तो भाई 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 भाई, भाई, भाई चीता ही कहते हैं। और लव कटारिया अंदर जाते ही उसका इंस्टाग्राम पर एक वीडियो आता है, जो कि आप लोग मैं यहाँ पर प्ले भी कर दूंगा, आप लोग देख लेना। ये उनका ओरिजिनल जो भी वीडियो डालते थे 1-2 दिन में 3 लाख+ लाइक आता था, लेकिन इस वाला वीडियो पे 2 ही घंटा के बाद इस पे 3.5 लाख के करीब लाइक आ चुका है। तो सोचो बिग बॉस जाने के अंदर के क्या ही बेनिफिट हुआ है, क्या ही फायदा हुआ है इस चीज़ को, ठीक है? चीता ही कह दे। और यहाँ पे सिस्टम हैंग तो आप लोग कर ही दोगे। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बुरा लगा, जियो सिनेमा जो भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है, मतलब लाइव आप लोग देख पा रहे हो, उसमें 29 रुपया पे करना पड़ेगा, फिर आप लोग देख पाओगे, ठीक है? तो इस चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग क्या सोच इसके बारे में, ठीक है? ऐसी मस्त मस्त वीडियो और भी आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, ठीक है? तो चीता ही कह दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय, और अपना ख्याल रखना।